क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर नंबर 7 का। इसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 2 and 8 इंक्लूसिव एज अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय दिस ए इंटू एक्स प्लस 3 वेयर ए इज अ कांस्टेंट। अब क्या करना है, फाइंड नंबर 1 ए, फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन 3 and 6, फिर आपने लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फिर आपने ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड। तो पहले हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 7, इसमें क्या गिवन है आपको, फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स फॉल्स बिटवीन 2 and 8, ये हमें गिवन है। अब इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा, तो हमने ए की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करेंगे तो ना हमारा फंक्शन कंप्लीट होगा। पेपर में जो क्वेश्चन है वो दो तीन तरह से आता है, एक ये कि विद कांस्टेंट आता है और एक आता है विदाउट कांस्टेंट आता है। तो आप इसके थ्रू इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें पेपर में क्या होगा, पेपर में आप देखेंगे कि आपके पास ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। ए का ए पार्ट आपका डिस्क्रीट में से आएगा और एक पार्ट आपका कंटिन्यूस में से आएगा। कंटिन्यूस का टोटल है 9 क्वेश्चंस, 9 से 14 क्वेश्चन, 14 में से एक 4 नंबर का पार्ट हर हाल में बोर्ड में लाजमी आता है, इंटर किसी भी बोर्ड में देख लिया आप, फैसलाबाद को, लाहौर का, किसी का भी, तो इस क्वेश्चन में भी पार्ट उसने आना ही आना है। अब उसको कैसे सॉल्व, इस अगर इस क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व कर ले देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, आप बाकी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कांस्टेंट को आपको पहले मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, कि आप जान हम जानते हैं कि वी नो दैट, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपकी आसानी हो जाएगी, ठीक है। वी नो दैट एरिया इक्वल टू 1 meter, देन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 meter। अब एरिया यहाँ मतलब प्रोबेबिलिटी है। अब एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए यानी पहली साइड, एफ ऑफ बी हमारी दूसरी साइड, इनटू बेस ओवर 2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन जो अननोन है ए पार्ट आपका, उसको मालूम करने के लिए इस तरह क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। अब पहली साइड आपकी एफ ऑफ ए ये है और ये आपकी बी साइड है, यानी जनरल फंक्शन के अंदर ये गिवन है। हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ 2, एफ ऑफ 8 पे हम फंक्शंस को फाइंड करेंगे, बेस इक्वल होती है बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए कर दो, बी क्या है आपका 8 है और ए क्या आपका यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इस। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए को फाइंड करते हैं, यानी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 जहाँ ऊपर ये फंक्शन है हमारा, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, ए हमें नहीं पता, एक्स की यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 3 कितना हो गया 5 ए। इसी तरह आपने बी वाले को फाइंड करना है, 8 है वहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, 8 प्लस 3 11 ए हो जाएगा। अब बेस यानी डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स 8 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया 6।
अब यहाँ पर इन कीमतों को ऊपर पुट करते फार्मूले में, एफ ऑफ टू की जगह पे क्या आ गया, 5A प्लस 11A इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। अब इसको काट दें, ये कितना हो गया 11A और 5 16, 16 इंटू 3 48A हो गया इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/48। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन अब कंप्लीट हो गया। फंक्शन को अब हम किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/48 इंटू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स फॉल्स बिटवीन 2 एंड। ये हमारा फंक्शन अब प्रॉपरली बन चुका है। अब पेपर में एक क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कांस्टेंट मालूम करें, या यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यानी दूसरा स्टाइल क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन गिवन होता है, पार्ट्स ये होते हैं, अपने पार्ट्स को फाइंड करें। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था मेरे पास, कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी बिटवीन दोनों साइडें दी हुई हैं 3 से लेकर 6 के दरमियान। अब कंटिन्यूस के अंदर हम लिमिट्स को यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दें या ना डालें, ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। हाँ, डिस्क्रीट के अंदर इनका फर्क है, अगर इक्वल है तब 3 शामिल है, अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो 3 से आगे वाला नंबर वहाँ पर इंक्लूड है।